हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। अरन मनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पहली मुरनोप रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेम की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा।
द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरिव का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं उसी समर्पण के साथ अनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3 2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पॉली मुरुनो रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम संपत राज, बेबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरनन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सरवनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की
सफलता के बाद रनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद रनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हुए उसी समर्पण के साथ रनमनाई 3 से बचे है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Zee5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। रनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी आर्य राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पॉली मुरनोप रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेंट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित रनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी हेमा के पिता शालू के पिता जो
सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं। शरणन के रूप में आर्य एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका, जिस पर ईश्वर और उसके प्रेम की आत्मा का साया है। ज्योति के रूप में राशि खतरा सर्वनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है। साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटर रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था पर बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम, संपत राज, बेबी ओवी, भंडारकर, विंसेंट, अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह
अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेम की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम, जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था, क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरन मनाई
3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पहली मुरनोप रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेम की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।
फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरन मनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पॉली मोरोनो रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएट्रिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है।
यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हुए उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Zee5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3 एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम, संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरनन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेम की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सरवनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई
थ्री ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले चार दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरिव का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हुए उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी आर्य राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पॉली मुरुनोप रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेंट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी हेमा के पिता शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं। शरण नन के रूप में आर्य एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है। ज्योति के रूप में राशि खतरा सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम
जेरेमिया ईश्वरी के रूप में हैं। साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरिव का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हुए उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरन मनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी आर्य राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेंट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी
ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरनन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सरवनन की प्रेमिका एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटर रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था, क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Zee5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली
मुरुनो रांत रिलीज। मेनम नंदिनी, योगी बाबू, मलिनी मुन, बलाम संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम, जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरिव का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था, क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी।
बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरन मनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पहली मुरुनोप रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह पवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन, ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट गीत भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो
फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए योजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Zee5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरन मनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पहली मुरुनोप रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम, संपत राज, बीबी ओवी, भंडारकर, विंसेंट, अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं। सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका, जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है। ज्योति के रूप में राशि खतरा, सरवनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है। साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटर रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से
4.5 स्टार दी और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दी और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं उसी समर्पण के साथ अनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी आर्य राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेंट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी हेमा के पिता शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं। सरन नन के रूप में आर्य एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है। ज्योति के रूप में राशि खतरा सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है। साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी
दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरिव का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी आर्य राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेंट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है।
बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, शरण नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम, जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल, हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Zee5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम, संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन,
मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरनन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन, ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सरवनन की प्रेमिका एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटर रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था, क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Zee5 को बेच गए
जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरन मनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम, संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेम की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरिव का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था।
इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरन मनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पॉली मुरुनोप, रांत रिलीज मैनम, नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी, मुन, बलाम, संपत राज, बीबी ओवी, भंडारकर, विंसेंट, अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन, ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है।
जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हुए उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Zee5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3 2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पॉली मोरनो रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम, संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरनन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेम की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सरवनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है।
बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अनमनाइन 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटर रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं उसी समर्पण के साथ अनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी आर्य राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेंट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी हेमा के पिता शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं। शरण नन के रूप में आर्य एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेम
क्योंकि आत्मा का साया है। ज्योति के रूप में राशि खतरा सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है। साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरिव का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था पर बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी आर्य राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरनोप रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेंट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा
छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, शरणन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि कतरा, सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम, जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था, क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3 2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और
एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरुनोप रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, शरणन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे, और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटर रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था, क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड
जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरन मनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पहली मुरुनोप रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम, संपत राज, बेबी ओवी, भंडारकर, विंसेंट, अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है, उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक
निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हुए उसी समर्पण के साथ अनमनाई 3 से बचे है। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए न्यू योजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था, पर बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था, क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3 2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पॉली मुरुनोप, रांत रिलीज मैनम, नंदिनी योगी, बाबू नलिनी, मुन बलाम, संपत राज, बीबी ओवी भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरन नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन, ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटर रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में
15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हुए उसी समर्पण के साथ अनमनाई 3 से बचे है। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल, विवेक के साथ पहली मुरुनोप रांत रिलीज, मैनम नंदिनी, योगी बाबू, नलिनी मुन, बलाम, संपत राज, बेबी ओवी, भंडारकर, विंसेंट अशोकन, मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें UK सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन, सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरनन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सरवनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी।
बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटर रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट किद भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटर रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कैलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी आर्य राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पहली मुरुनो रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेंट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरनमनाई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक ताम
सिख आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रवि के रूप में सुंदर सी, हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, शरण नन के रूप में आर्य, एक इलेक्ट्रिशियन ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा, सर्वनन की प्रेमिका एंड्रियम, जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरनमनाई 2014 और अरनमनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरनमनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरनमनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरिव का एक अंत क्रेडिट चित भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं उसी समर्पण के साथ अरनमनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ यूए प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को रोक लिया और इसे अपने चैनल कलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। अरनमनाई 3/1/2021 की भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे सुंदर सी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में सुंदर सी, आर्य, राशि खतरा और एंड्रिया जेरेमिया सहित कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें साक्षी अग्रवाल विवेक के साथ पॉली मुरनोप रांत रिलीज मैनम नंदिनी योगी बाबू नलिनी
मुन बलाम संपत राज बीबी ओवी भंडारकर विंसेट अशोकन मधुसूदन राव और वेला राममूर्ति प्रमुख भूमिकाओं में है। यह अवनी सिनेमैक्स के बैनर तले खुशबू द्वारा निर्मित अरन मनई फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, जिसमें यूके सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन सी सत्यराज द्वारा रचित संगीत और फेनी ओलिवर द्वारा फिल्म संपादन शामिल है। कहानी ज्योति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक तामसिक आत्मा से खतरा है क्योंकि वह अपने रिश्तेदार रवि के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रवि के रूप में सुंदर सी हेमा के पिता, शालू के पिता जो सत्य की खोज में ज्योति की मदद करते हैं, सरनन के रूप में आर्य एक इलेक्ट्रिशियन, ज्योति की प्रेमिका जिस पर ईश्वर और उसके प्रेमी की आत्मा का साया है, ज्योति के रूप में राशि खतरा सरवनन की प्रेमिका, एंड्रियम जेरेमिया ईश्वरी के रूप में है, साक्षी अग्रवाल हेमा रवि की पत्नी के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्शन 2019 की रिलीज के बाद जनवरी 2021 में सूत्रों ने दावा किया कि निर्देशक सुंदर सी दो फिल्मों अरन मनाई 2014 और अरन मनाई 2 2016 की सफलता के बाद अरन मनाई फिल्म श्रृंखला के लिए अपनी तीसरी किस्त बनाएंगे। और उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मिली जुली नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद अरन मनाई 3 ने अपनी नाटकीय मतलब थिएटरिकल रिलीज से के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म ने पहले 4 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की इसकी रिलीज का। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 0.5 स्टार दिए और इसे अभी तक की सबसे मूर्ख फिल्म कहा। द न्यूज मिनट ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि कोई भी भूत आत्मा या भूत एक ही घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशस्त नहीं है। जितना मैंने आज थिएटर में महसूस किया है उससे कहीं ज़्यादा फंस गया है। यहाँ तक कि अरियु का एक अंत क्रेडिट गीत भी मुझे रोक नहीं सका। जिस समर्पण के साथ सुंदर सी इस फिल्म में एक निष्कर्ष पर पहुँचने से बचते हैं, उसी समर्पण के साथ अरन मनाई 3 से बचे हैं। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म की रिलीज की शुरुआत में 2021 में गर्मियों में एक थिएटरिकल रिलीज के लिए नियोजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज और पोस्ट प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे सितंबर 2021 में रिलीज किया जाना था और बाद में इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 3 कट के साथ UA प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि इसमें गंभीर हिंसा वाले दृश्य थे। फिल्म के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म के उपग्रह अधिकारों को
रोक लिया और इसे अपने चैनल केलेन नार टीवी को बेच दिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार Z5 को बेच गए, जहां 12 नवंबर 2021 को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।